Alright, so guys, welcome back to a new video of Chakku Gamer. This is my Prajapati, आप लोग देख रहे हैं Chakku Gamer के YouTube channel. Last episode में आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने खेला था Minecraft, लेकिन आज हम खेलने वाले another game, जो कि होने वाले clothing store simulator, जिसमें हम हमारी main city में बीचों बीच हमारे स्टोर की दुकान ओपन करने वाला स्टोर ओपन करने वाले जिसमें लड़कियों की सेल लाइक लड़कियों की क्लोथ हम सेल करेंगे, आगे जाके मेन के भी हम क्लोथ सेल करने वाला है, ठीक है। वैसे भी आप लोगों को पता होगा कि हम अगर सिटी के सेंटर में दुकान खोलते हैं क्लोथिंग की, तो उसमें कितना ज्यादा प्रॉफिट हमको मिलता है, बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर प्रॉफिट हमको मिलता है। एंड ये गेम हमारे लिए न्यू होने वाली है। वैसे भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये वाली जो गेम है ये प्रो लीग है, फुल वर्जन अवेलेबल हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे अवेलेबल दिखा रहा है। हाँ, तो फुल वर्जन अवेलेबल हो चुका है, लेकिन मैंने अभी तक इसको बाय नहीं किया, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर आप लोगों को एंड मेरे को पसंद आते तो ही मैं इसको बाय करूंगा, अदरवाइज तो नहीं, ठीक है। तो चलो, लास्ट एपिसोड में लाइक लास्ट टाइम मैंने इसको खेल के देखा था कि कैसा है सब कुछ, इसी वजह से यहाँ पे कंटिन्यू दिखा रहा है, लेकिन हम न्यू गेम पे क्लिक करते हैं, न्यू गेम हमारी लोड हो रही है। भाई साहब, न्यू गेम खेलने में मजा तो आने वाला है एंड स्टोर ओपन करने में मजा आएगा। ये हमारी वेलकम स्क्रीन होने वाली जो हमको बता रही है कि हमारी छोटी सी दुकान से हमारा फर्स्ट टाइम हमारी क्लोथिंग की जर्नी में स्टार्ट हो चुका है, एंड हमारी छोटी सी दुकान हमारे सिटी के सेंटर में होने वाली है, उसमें हमको प्रोडक्ट बाय करना है लाइक क्लोथ बाय करना है एंड उसको फील करना है सेल्फ में एंड सेल करना है। हमारी प्राइस जो होने वाली क्लोथ की वो सेम टू सेम लाइक होने वाली है, उसको ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं बेचना, हमको लॉस में भी नहीं बेचना, बैलेंस्ड प्राइस होनी चाहिए, ठीक है। हमारे कस्टमर की हमको केयर लेनी है, अदरवाइज हमारा सेल इम्प्रूव नहीं होगा, वो लॉस में चला जाएगा। इम्प्रूव योर स्टोर, डोंट गो बैंकरप्ट एंड हैव अ लॉट ऑफ फन। सो हमको हमारे स्टोर को इम्प्रूव करना है एंड रिज्यूम पे क्लिक करते हैं, रिज्यूम पे क्लिक करते हैं, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, रिज्यूम कहते हैं क्या बोलते हैं, लेकिन सर को बताएंगे, हमने कर लिया है एंड ये हमारा स्टोर होने वाला है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ की टूर करवा देता हूँ छोटी सी, ये हमारे सिटी के बीचों बीच होने वाला है। अगर तुम ये रोड पे जाओगे तो तुम घूम के यहीं पे वापस आओगे, ठीक है। ये हमारा स्टोर होने वाला है जिसमें हम क्लोथ तुला के सेल करेंगे। ये एक शिपिंग ऑफिस है जिसकी दुकान किसी और के नाम पे है, वो हमारी नहीं है। एंड यहाँ पे चेरी ब्लॉसम का ट्री दिया गया है एंड यहाँ पे हाँ ये वाला गैरेज होने वाला है, हमारा गैरेज ना स्टोरेज होने वाला है, जो हमको फुल वर्जन में हमको मिलेगा वो हम बाद में बाय करेंगे। ये हमारा स्टोर होने वाला है एंड हम स्टोर का नेम भी हम प्रो लीग में नहीं कर सकते चेंज, ठीक है, उसके लिए हमको फुल वर्जन बाय करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा स्टोर बहुत ही ज्यादा बड़ा है, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक सेल्फ ऑलरेडी दिया गया हुआ है एंड यहाँ पे कंप्यूटर दिया है, यहाँ पे एक रजिस्टर है। तो कंप्यूटर में जाके मैं बता लेता हूँ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स में ये यहाँ पे वही बताता है जो हमारे पास अवेलेबल प्रोडक्ट है। वर्कर्स, तो वर्कर फुल वर्जन में है। स्टोर मैनेजर, तो हमारा स्टोर का एरिया कितना बड़ा करना है वो सब हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। बाद में जाके हम यहाँ पे होम पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे वॉल सेलर में है जो हमको बाय कर सकते हैं, ठीक है। 31 प्रोडक्ट चाहिए क्लोथ्स आएंगे जो हम बाय कर सकते हैं, उसके लिए हमको ब्रांड्स अनलॉक करनी पड़ेगी, लेकिन वो लेवल अप होने के बाद होगा। फर्नीचर में ये सब हो गया, सेल्फ वगैरह हो चुका है, तो आई थिंक मेरे को इसको 2 को ऑर्डर कर देना चाहिए, एक और कर देता हूँ, बिल्कुल ये रहो। वुमन स्कर्ट एक ऑर्डर कर लेता हूँ, $150 का पड़ेगा हमको, ये भी उतने का ही पड़ेगा एंड ये वुमन ड्रेस होने वाला है वो $200 का हमको पड़ेगा। ये सब हो चुका है। अभी एक मिनट, अभी एक और चीज़ बाय करना रह चुका है, वो की है जो कि फिटिंग रूम, कि यार फिटिंग रूम नहीं होगा तो कस्टमर गुस्सा हो जाएंगे एंड बाद में हम पे लाइक गुस्सा करेंगे एंड हमारे एक्सपे माइनस होगी। अभी एक ये सेल्फ है तो इसको मैं फटाफट से लेता हूँ एंड ये लो भाई, कैरी जल्दी से होता नहीं है, पता नहीं क्यों, गेम का ग्लिच है क्या, लेकिन चलो कोई नहीं, फटाफट से मैं इसको ये वाले सेल्फ को हम लगाएंगे। भाई जो तीन सेल्फ होने वाला है ना वो एक दूसरे के बाजू बाजू में होने वाला है, ठीक है। लाइक ये मैंने वो लगाया ना वैसा, ये फिटिंग रूम है, इसको भी मैं ले लेता हूँ, लेकिन यार ये उठा ही नहीं, ठीक है। चलो इसको भी बॉक्स को ओपन करता है। फिटिंग रूम को मैं सोच रहा हूँ कि हम उसको लगाएंगे बिल्कुल यहाँ पे, क्योंकि कोने में फिटिंग रूम हो तो अच्छा लगता है एंड वो ज़्यादा स्पेस भी नहीं रोकता है, ठीक है, इसी वजह से। यहाँ पे एक और सेल्फ बचा हुआ, इसको भी मैं ला के ले लेता हूँ, लाइक ले लेता हूँ, उसको बॉक्स को ओपन करता है, इसको वापस से ला के यहीं पर हम लगा देता है, ठीक है। एंड ये लो भाई, यहाँ पे हम लगाएंगे इसको बिल्कुल स्ट्रेट, इसके साइड में बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अब ये देख सकते हो, तो यहाँ पे 3 सेल्फ मैंने लगा दिए, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पे स्कर्ट लगाते हैं तो ये पूरा सेल्फ स्कर्ट का ही हो जाएगा, इसमें हम कोई भी ड्रेस वगैरह कुछ भी हम नहीं लगा सकते। तो मैं बेसिकली करके ही दिखा लेता हूँ,
ये भाई मैंने दो दो कर दिए क्या? ओके अलग अलग है, हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे। ये देख लो ठीक है, जो ये देख लो स्कर्ट का आ गया ना, तो हम इसमें स्कर्ट के सिलावा कुछ भी और नहीं प्लेस कर सकते ठीक है। तो बड़ा बस मैं और दो बचे आइटम्स लाइक क्लोथ बचे उसको भी मैं ला के वहां पे टांग देता हूँ। ये देख लो इसमें भी सेम टू सेम हो चुका है, ड्रेस का, तो ड्रेस का ही हम उसको रखेंगे, उसमें हम और कोई सामान नहीं रख सकते। ये क्या है, शर्ट है ना शायद से, ये शर्ट नहीं स्कर्ट। भाई मैंने स्कर्ट दो दो ऑर्डर कर ली, भाई साहब मैंने स्कर्ट दो दो ऑर्डर कर दी, लेकिन चल कोई बेनिफिशियल के तो हम इसको इतना ही सेल करेंगे। एंड हम इसके फटाफट से प्राइस सेट कर लेते हैं प्रोडक्ट में जाके, ये हमारे पास अवेलेबल है। अप्रूव सबसे पहले मैं अप्रूव कर लेता हूँ, एंड ये लो। तो ये मैंने क्यों किया पता है, यहाँ पे देख सकते हो $15 हमारी कॉस्ट परचेस प्राइस है ठीक है। $15 में हमको एक स्कर्ट पड़ा, लेकिन हम जो मार्केट में रिकमेंड प्राइस हमको दी गई हुई है वो $37.50 है। अगर हम इससे $38 में भी बेचते हैं तो लाइक कस्टमर को एक्सपेंसिव लगेगा, एंड उसको वो लोग बाय नहीं करेंगे, बाद में जाके हमारा एक्सपी माइनस होगा ठीक है इसी वजह से। एंड यहाँ पे $50 का ये सेल हो रहा है ठीक है। तो अभी इतना कुछ काम हो चुका है, प्राइस मैंने सेट कर दिए, सेट करने लाइक जस्ट अप्रूव करना था ठीक है, इतना कुछ मैंने कर लिया। एंड आई अभी स्टोर हमने ओपन भी कर लिया, अभी सिर्फ वेट करना है जब तक के लिए कस्टमर नहीं आते। आई थिंक कस्टमर आना स्टार्ट हो चुके हैं, बड़ा बच्चे जितने कस्टमर आते हैं उनको लेते हैं, एंड बाद में जाके हमारे स्टोर को एक्सपेंड भी करना है, लाइक बहुत बड़ा स्टोर हमको बनाना है। लेकिन वो सब तो मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब इसका लाऊंगा तब नेक्स्ट वीडियो फुल वर्जन का होगा ऐसा मैं सोच रहा हूँ, लेकिन देखते हैं क्या होता है। टाइम टाइम पे सब कुछ चीज़ें होती रहेगी ठीक है। ये लड़का है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सामान लेने के लिए, इसने लिया है क्या भाई स्कर्ट लिया कि शर्ट लिया पता नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशन वी गट अवर फर्स्ट सेल, ऐसा स्क्रीन दिखा भाई, मैंने इसको रीड नहीं किया, वैसे मैं अपने आप से बोल रहा हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं अभी देखते। और भाई सब और कोई सामान आ रहा है भाई, ये भी कुछ लेके आ रहा है, स्कर्ट लेके आ रहा है ना साथ से, हाँ स्कर्ट लेके आ रहा है भाई साहब। इसने भी भाई एक एक प्रोडक्ट लेंगे तो मेरे को कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा, वैसे भी मेरे पास $100 बचे हुए, $200 अराउंड बचे थे, एंड $63 और बढ़ चुके हैं ठीक है। एंड भाई साहब इसने ओनली ड्रेस लिया था तो ड्रेस का तो प्राइस हो चुका है भाई साहब। चलो आज के दिन में कितना प्रॉफिट करते हैं कमाता है वो भी देखेंगे। एंड भाई जल्दी जल्दी आओ कस्टमर, यार मेरे को यहाँ पे वेट करना पड़ता है, कितने स्लो चलता है। जो मैंने फिटिंग रूम वहाँ पे लगा है उसका तो कोई यूज ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, लेकिन लाइक कुछ होगा गेम का भाई। अगर कोई किसी को यूज नहीं करना तो मैंने क्यों पॉकेट में $100 खर्चे ना, लेकिन ऐसा ही होगा है ना भाई साहब। लेकिन चलो कोई बने, अगर कोई लड़की आती है ना तो आई थिंक लड़की उसको ट्राई करेंगी फिटिंग रूम में जाके ठीक है। मैं भी ये वाली करनी चाहिए भाई साहब, फिटिंग रूम का कोई तो यूज करो। ओके भाई साहब मैंने यह बोला था ना कि ये वाली करनी चाहिए, तो ये वाली लड़की ने फिटिंग रूम का ट्राई कर ली है। एंड अभी देखते हैं अगर उसको पसंद आता है तो वो लेगी, काउंटर पे लेके आएंगे, उसको स्कैन करके हम उसको दे देंगे ठीक है। भाई साहब ये यहाँ पे आ रही है, आई थिंक इसका फिनिश हो चुका है एंड पसंद आया है, इसी वजह से मैं भी ये यहाँ पे आ रही है। फटाफट से इसको भाई एक एक आइटम ले रहा है भाई, मेरे एक एक आइटम में मेरा प्रॉफिट नहीं होगा यार। दो दो भाई इसको क्या हुआ, दिस प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल, नहीं है भाई हमारे पास नहीं है, हमारे पास दो ही प्रोडक्ट है, तुमको लेना है तो लो अदरवाइज चले जाओ भाई साहब। चलो आई थिंक एक्सपी माइनस हुई शायद है ना, हुई होगी क्योंकि ना हुई वो ऐसा बन ही नहीं सकता, अगर वो नाराज होकर चली जाते तो वो एक्सपी तो नाराज लाइक चली जाती है। $550 हो चुके हैं हमारे पास, एंड अभी और कोई कस्टमर ओके आ रहा है, कस्टमर तो अभी भी आते जा रहा है। कस्टमर जल्दी से आओ भाई साहब, और कितने कस्टमर आते हैं देखते हैं। आज का दिन हमने 9 बजे तक हमारा स्टोर ओपन रखेंगे, 9 बजे तक ठीक है, 9 बजे तक हमारा रात को स्टोर ओपन रखेंगे, बाद में हमारा स्टोर फिनिश कर लेंगे लाइक क्लोज कर देंगे, एंड देखेंगे हमको कितना प्रॉफिट मिला कितना लॉस मिला वो सब देखेंगे, एंड कितना बिल वगैरह हो। भाई इसने लिया ना भाई $150 का ले लिया भाई साहब, अगर ऐसे कस्टमर आते हैं ना तो प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, उसमें अराउंड 20 या $30 का प्रॉफिट था, पता नहीं कितना था। लेकिन चलो कस्टमर आते जाते हैं देखते हैं कितना, या अभी साइकिल दी गई है लेकिन आई डोंट थिंक हम साइकिल को यूज़ कर सकते हैं, वैसे भी वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है उसी वजह से आई थिंक, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अभी भाई ये कब से आ रहा है, मैं वहाँ बाहर जाके आटा मार के भी आ चुका हूँ वापस, लेकिन ये अभी भी नहीं आ रहा, अभी आया बोलो इसको क्या हुआ भाई। भाई जो प्रोडक्ट नहीं है वही साले को प्रोडक्ट लेना है सबको, जो प्रोडक्ट मैं नहीं बेचा रहा हूँ वही प्रोडक्ट सबको लेना है भाई साहब, क्या बोलो अभी, इसको कुछ कहना है क्या,
कुछ भी नहीं कह सकते हम कि यार वो हमारे कस्टमर थे। लाइक यार मेरी गलती, वैसे तो गलती मेरी ही है क्योंकि वो मैं ही बुलाना भूल गया था प्रोडक्ट ऑर्डर करना। लेकिन चलो कोई नहीं, अभी 9 बजने को आ चुके हैं, लास्ट 2 कस्टमर आ रहा है तो इसको भी ले लेते हैं। एंड ओके ओके 9 बजा तो स्टोर अपने आप क्लोज हो, भाई यहाँ पे ओपन दिखा रहा है तो वो अपने आप से वापस क्यों चला गया। चलो कोई बात नहीं, अंदर एक बचा हुआ है, इसे बैग पे क्या लिखा हुआ है, क्लोथिंग स्टोर्स, भाई बैग पे भी अपना नाम, ये लो भाई क्या कुछ बोलना है क्या। लेकिन चलो कोई बने, इसने भी लास्ट सेल हमारा $75 का हो चुका है। एंड चलो भैया से बाहर निकलते हैं, हमारा डे फिनिश करते हैं एंड देखते हैं कितना कस्टमर हमारे आए, कितना प्रॉफिट हुआ वो सब देखते हैं। 13 कस्टमर आए, उसमें से 10 सेटिस्फाइड कस्टमर थे, उसमें से प्रोडक्ट नहीं मिला वो 2 कस्टमर थे, ठीक है, तो उसमें से 2 प्रॉफिट, लाइक 2 एक्सपी माइनस चली गई। एंड थिंग्स एक्सपेंसिव भाई ये देख लो, किसी को भी एक्सपेंसिव नहीं लगा, ठीक है। डेली इम्प्रूवमेंट 98 एक्सपी, लाइक आई थिंक बड़ी स्टोर लेवल, भाई ये देख लो स्टोर लेवल हमारा 2nd भी हो चुका है। एंड ये सब हमारी टोटल सेल्स है, आज के दिन हमारी टोटल सेल आई $697 में, जिसमें हमारी लाइक अभी भी अवेलेबल बैलेंस है वो है $819। यहाँ पे बिल आया है $19 का, रेंट आया $50 का, ठीक है। तो हाँ ये सब कुछ काट काट के हमको प्राइस हमको मिली है, कितनी प्राइस $890 मिले है, ठीक है। चलो भाई साहब आई थिंक मेरे को ये वाला वीडियो को यही पे एंड करना चाहिए। अगर आपको फुल वर्जन का गेम प्ले चाहिए तो सपोर्ट करना ये वाले वीडियो को। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो पर लाइक कर देना, प्यार से कमेंट कर देना, वीडियो को शेयर करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।